नाज़रीन आपको आगाह करें, भक्कर की तहसील मनकेरा में इंतजामिया की नाअहली के बायस 1 करोड़ रुपए की खतीर रकम से तामीर होने वाला फैसल पार्क मुकम्मल होने से पहले टूट फूट का शिकार हो गया। आपको बताएं कि पार्क में जानवरों का राज और पार्क जंगली झाड़ियों का मस्कन बन गया। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ राना अमजद बोबी की इस रिपोर्ट में। इंतजामिया की नाअहली और बेहिसी के बायस 2017 से तामीर होने वाला मनकेरा का इकलौता फैसल पार्क तामीर मुकम्मल होने से पहले टूट फूट का शिकार हो गया। पार्क के लिए 1 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए, ठेकेदार अधूरा काम छोड़कर फरार हो गया। 4 साल गुजर जाने के बावजूद भी इंतजामिया टस से मस ना हुई। पार्क में बच्चों के खेलने की बजाय जानवरों के रेवड़ चढ़ते नजर आते हैं, जबकि जंगली झाड़ियों ने अपना मस्कर बना लिया है। रही सही कसर इंतजामिया ने पूरी कर दी और सैवरेज के गंदे पानी का रुख पार्क के हाथ में मोड़ दिया और इलाका भर का कूड़ा करकट पार्क की दीवारों के साथ फेंका जा रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि तहसील मनकेरा रकबे के लिहाज से सूबे पंजाब की सबसे बड़ी पसमानदा तहसील है, मगर बच्चों के खेलने के लिए कोई पार्क न बनाया गया है। वालदैन खुशी की त्योहारों पर अपने बच्चों को बखर या जंग के पार्कों में ले जाने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों ने असिस्टेंट कमिश्नर मनकेरा डीसी बखर से मुतालबा किया है कि फैसल पार्क को जल्द मुकम्मल करके बच्चों के लिए फाल किया जाए। कैमरामैन रिहान साहिल के साथ राना अमजद बोबी, ब्यूरो चीफ बखर।